जयपुर शहर के चांदपुर बाजार में सड़कों पर अतिक्रमण से यातायात बाधित हो रहा है और थई ठेले वाले बेखौफ सड़कों पर कब्जे जमा कर व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी दलील है कि वे पुलिस को मासिक बंदी देते हैं, नगर निगम वालों को हफ्ता भी देते हैं और दुकानदार मालिकों को किराया भी देते हैं, फिर भी प्रशासन और सरकार मनमानी कर उनके व्यवसाय को खराब करने पर तुली हुई है। आखिर हम अपने बच्चों का गुजारा कैसे करें? फुटपाथ यूनियन से सलाहकार, 2014 में मनमोहन सिंह जी ने वेंडर पॉलिसी लागू की, उसके बाद आना तो हमारे ऊपर विकास हुआ है हमारा, ना हमारे को जगह मिलती है, आए दिन नगर निगम आती है, वोट आती है, परेशान करती है, हमारे लिए कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, कोई चोरी चकारी कर रहे नहीं, लूटपाट कर रहे नहीं, कोई बेईमानी कर रहे नहीं, हमारे कमा के नहीं खाने नहीं। बहुत से व्यापारियों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस को भी हफ्ता देते हैं, नगर निगम को भी देते हैं। ये ऐसा कोई नहीं है, ना हम नगर निगम को देते हैं ना पुलिस को देते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देते। तो ये दुकानें लगाते हैं तो इसका दुकानदार किराया लेते हैं? नहीं, हमारे से ऐसा कोई सिस्टम नहीं, सब पुराने बैठे हुए, आज बरसों के कोई 40 साल पुराना बैठा, कोई 30 साल, कोई 20 साल पुराना बैठा है, ऐसा कोई नहीं है, ना पुलिस वाले ने कोई हमारा कुछ लेते हैं, ना नगर निगम लेते हैं। बस हमारा तो ये है, हमारा तो कुछ जगह बती है, हमारे को तो व्यापार करिए, कमा के खा के अपना परिवार पाल लो। यदि सरकार नहीं मानी तो आप क्या करें? सरकार नहीं मानी, माननी पड़ेगी सरकार को, रोजगार दे तो रही नहीं है तो हटा, रोजगार देना चाहिए। नहीं मानेगी तो तब क्या करेंगे आप? किस तरह की कानून है ना, फिर जो 2000 मनमोहन सिंह जी ने वेंडर पॉलिसी लागू की है उसके आधार पे चलेंगे। दिलीप जीवानी मेरा नाम है, चांदपुर बाजार पे 437 पे बाहर लगाता हूँ, और ये बहुत परेशानी कर रखी है इनको हटा के, इससे ग्राहक भी नहीं रुक पाता और रोजी रोटी पूरी नहीं हो पा रही है। बगड़ में ग्राहक भग जाते हैं, कहीं सेल भी नहीं हो पाती है। सरकार ये कहती कि आपने जबरदस्ती अतिक्रमण किया, सरकार कुछ सोचना चाहिए, सरकार को हमारे लिए तो सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें जगह देनी चाहिए, जब तक हमें जगह देंगी नहीं हम कहाँ जाए, आत्महत्या थोड़ी करेंगे, बेरोजगारी तो बढ़ेगी इससे, पहले मेरे काम धंधे है नहीं। सुनने में ये आया कि आप पुलिस को भी बंदी देते हैं, नगर निगम को भी? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा किसी को बंदी नहीं देते, पुलिस वगैरह किसी को बंदी वगैरह नहीं जाती है, ये तो खाली बदनाम वाला हिसाब है, कोई बंदी नहीं जाती है। पर ये है कि ब्रांडे से थोड़ी दुकानदारों को भी राहत मिलती है, फुटपाथियों को भी राहत मिलती है, ब्रांडे में डिस्प्ले नहीं होगा जब तक दुकानदारी नहीं होगी, बरामदे के अंदर पब्लिक को निकलने में दिक्कत हो, जहाँ ज्यादा लवाज में है उसको परेशान कीजिए, बाकी वैसे ज्यादा अतिक्रमण कर रखा हो उसके लिए चलो ठीक है, बेकर है, बाकी जो थोड़ा छोटा छोटा लगा रखा है तो उसको तो नहीं हटाया जाए, छोटा मोटा डिस्प्ले तो लगाना भी जरूरी है, डिस्प्ले बिगड़ तो पार ही नहीं पड़ेगी किसी की। दिलीप जीवानी मेरा नाम है, चांदपुर बाजार पे 437 बाहर लगाता हूँ, और ये बहुत परेशानी कर रखी है इनको हटा के, इससे ग्राहक भी नहीं रुक पाता और रोजी रोटी पूरी नहीं हो पा रही है। बगड़ में ग्राहक भग जाते हैं, कहीं सेल भी नहीं हो पाती है। सरकार ये कहती है कि आपने जबरदस्ती अतिक्रमण किया, सरकार कुछ सोचना चाहिए, सरकार को हमारे लिए तो सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें जगह देनी चाहिए, जब तक हमें जगह देंगे नहीं हम कहाँ जाए, आत्महत्या थोड़ी करेंगे, बेरोजगारी तो बढ़ेगी इससे, पहले मेरे काम धंधे है नहीं। सुनने में ये आया कि आप पुलिस को भी बंदी देते हैं, नगर निगम को भी? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा किसी को बंदी नहीं देते, पुलिस वगैरह किसी को बंदी वगैरह नहीं जाती है, ये तो खाली बदनाम वाला हिसाब है, कोई बंदी नहीं जाती है। पर ये है कि ब्रांडे से थोड़ी दुकानदारों को भी राहत मिलती है, फुटपाथियों को भी राहत मिलती है, ब्रांडे में डिस्प्ले नहीं होगा जब तक दुकानदारी नहीं होगी, बरामदे के अंदर पब्लिक को निकलने में दिक्कत हो, जहाँ ज्यादा लवाज में है उसको परेशान कीजिए, बाकी वैसे ज्यादा अतिक्रमण कर रखा हो उसके लिए चलो ठीक है, बेकर है, बाकी जो थोड़ा छोटा छोटा लगा रखा है तो उसको तो नहीं हटाया जाए, छोटा मोटा डिस्प्ले तो लगाना भी जरूरी है, डिस्प्ले बिगड़ तो पार ही नहीं पड़ेगी किसी की। न्यूज मीडिया टुडे के लिए जयपुर से SN विवेक की रिपोर्ट।